श्री रानी सती दादी महिला समिति द्वारा श्री रानी सती दादी जन्मोत्सव का आयोजन मंगलवार को सिविल लाइन स्थित एक अतिथि भवन में किया गया। इस अवसर पर समिति की महिलाओं ने रानी सती दादी की अखंड ज्योति जलाकर श्री गणेश की वंदना की, जिसके पश्चात ऋषि द्वारा मंगल पाठ किया गया। इस मौके पर समिति की महिलाओं ने रानी सती दादी की जन्मोत्सव के दौरान डांडिया नृत्य और मनमोहक भजन की प्रस्तुति की, जिसके पश्चात श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष बबीता जलान, उमर पौद्दार, किरण पौद्दार, साधना शारदा, सुनीता अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, आनंद जलान, पवन पौद्दार, राजेश पौद्दार सहित संस्थान के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महिला समिति के अध्यक्ष बबीता जलान व समिति के सदस्यों ने कहा, किस अवसर पर ये प्रोग्राम हमारे दादी मंगल दादी से महिला समिति का है मंगल पाठ। ये वर्ष में एक बार होता है दादी जी का वार्षिक उत्सव होता है, जो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्या क्या किया आप लोगों ने सब इसमें? ऋषि जी द्वारा मंगल पाठ हो रहा है, बाकी बच्चों का होता है बधाइयाँ बढ़ती है, और भी दादी जी का जन्म हुआ है, दादी का जन्म हुआ है, दादी जी का कृष्ण भगवान का मंदिर है, फिर माँ प्रसाद है, दादी जी की आरती है, कृष्ण जी की नृत्य नाटिका होगी, क्योंकि अमर मतलब सती हुई है लेकिन ये अमर है, अमर सुहागिन है, ये जब सती शक्ति रूप में इनकी पूजा होती है इसीलिए इसको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं हम लोग और इनकी बहुत ज्यादा आराधना की जाती है। बहुत ठीक है, साल भर हम लोग इंतजार करते हैं ये उत्सव के लिए, दादी जी के उत्सव के लिए उत्सव आए तो हम सब लोग उसमें एक महीने पहले से लग जाते हैं तैयारियाँ में, सब तैयार है। आज के दिन सुबह से ही हम लोग, कल भी कलश यात्रा थी, बहुत धूमधाम से कलश यात्रा हुई और आज दादी जी का मंगल पाठ हो रहा है, उसमें पहले दादी जी का जन्म हुआ, अब कृष्ण लीला होगी, उसके बाद दादी जी की शादी होगी, सब कुछ इसमें दर्शाया जाएगा।